Assalamualaikum friends, I am back again with the new video on future OB coming collabs. तो भाई लोग ग्रीना जो है वक्त के साथ साथ जो है करेक्टर के लिए, पेट के लिए, गन स्किन्स के लिए और गेम को बेहतर बनाने के लिए सर्वे करवाती रहती है। तो हर बार सर्वे होता है जिसमें कुछ क्लैब्स भी होते हैं, तो उनमें से हाईली वोटेड क्लैब्स जो होते हैं उसको फिर रियल गेम में जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो इसी तरह पहले भी एक वीडियो मैं इस पार्ट पर बना चुका हूँ, पार्ट वन वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ। तो ये सेकंड पार्ट वीडियो है और इसमें जितने भी क्लैब्स हैं ये ग्रीना ने ऑफिशियली खुद बोला है कि भाई वो इनको कंसिडर कर रही है, बस आप लोगों ने वोट करना है और वो इनमें से कुछ फाइनल कर देगी। 1, 2, 3 ये सारे के सारे जो भी मतलब हो वो ग्रीना पे डिपेंड करता है। तो ये मतलब ये नहीं कि एक महीने में आपको दिखाई देगा, 2 महीने हो सकता है, 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए या साल लग जाए, टाइम की कोई बैरियर नहीं है। तो इस वीडियो में शेयर करते हैं आपके साथ सारे सारे क्लैब्स जो भी अभी 12 क्लैब्स ग्रीना ने अनाउंस किए हैं कि ये मैं एक्सपेक्टेड हैं कि जल्दी लॉन्च करूंगा ग्रीन गेम में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द गेम। तो यहाँ पहला क्लैब निकल के आता है फ्री फायर एक्स हंगर गेम्स। तो भाई ये भी हो सकता है फ्यूचर में आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे आपको मैं टीज़र भी दिखा रहा हूँ इस फिल्म का, ये फिल्म सीरीज़ है, बहुत अच्छी सीरीज़ है, मैंने देखी हुई है। इसमें अगर देखा जाए इसका क्लैब होता तो आपको बहुत ही अच्छे ओपी वाले बंडल्स आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो ये मतलब एक जो सीरीज़ थी ये तो काफ़ी मतलब हिट रही है, अच्छी सीरीज़ थी। और अभी क्लैब कैसा होगा ये देखेंगे हम जल्दी जब गेम में लॉन्च होगा या फिर जो भी ग्रीना फाइनल करती है इसके बारे में। तो यहाँ सेकंड क्लैब निकल के आता है जो कि फ्री फायर एक्स स्ट्रेंजर थिंग्स। तो भाई ग्रीना ने इसको भी अनाउंस किया कि ये भी एक्सपेक्टेड है कि आपको फ्यूचर में दिखाई दे। इसके मेरे ख्याल में मैंने 2 या 3 सीज़न देखे हैं जो कि बहुत ही अच्छे थे और मेरे 5वां सीज़न आने वाला है। अगर तो इसको फाइनल करते तो ग्रीना कोशिश करेगी 5वें सीज़न से पहले पहले इसको लॉन्च किया जाए ताकि साथ साथ दोनों एक साथ उधर सीज़न चल रहा हो और साथ साथ ग्रीना के साथ क्लैब चल रहा हो। तो इसको भी ग्रीना कंसिडर कर रही है जो कि एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में जल्दी फाइनल हो जाएगा जिसको अगर इसको ज़्यादा रिपोर्टिंग हुई होगी। तो इसके बाद बारी आती है, इसके बाद बारी आती है माइटी मॉर्फिन। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो हैरान किया भाई द बॉयज़ के क्लैब ने किया कि भाई बॉयज़ के साथ क्लैब करने जा रहा है। सच में फ्री फायर बॉयज़ बहुत ही ओपी लेवल के भाई वेब सीरीज थी, मैंने देखी है। सुपर हीरोज़ बहुत सारे हैं, सुपर हीरो कॉस्ट्यूम्स बहुत सारे हैं, बंडल्स में मिलेंगे सुपर हीरोज़, यानी कि होमलैंडर जो अपना गेम लॉन्च हो जाएगा। भाई होमलैंडर की जो मतलब कि बेसिकली तो मतलब ये गेम के साथ होना नहीं चाहिए क्योंकि ये बच्चे खेलते हैं। फ्री फायर की अगर बात करूँगा तो बच्चे खेलते हैं और ऐसी गेम्स के साथ ऐसी सीरीज़ का क्लैब नहीं होना चाहिए। बहुत ही ब्रूटल एक्शन है इस सीरीज़ में, तो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि ये बच्चे सीरीज़ देखें। ओनली फॉर एडल्ट होनी चाहिए जो कि 18+ या 16+ हैं, वो लोग थोड़ा बहुत अगर इसको देखना चाहे तो देखें। मैंने देखी है इसके ऑल सीज़न देखे और अभी नेक्स्ट आने वाले सीज़न के लिए भी मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो मैं चाहूँगा कि हो जाए क्लैब क्योंकि मुझे सुपर हीरोज बंडल्स मिलेंगे द बॉयज़ थीम के। तो यहाँ बारी आती है रेजिडेंट ईवल नाम की गेम की क्लैब की। तो भाई मतलब मैंने सोचा था पहले रेजिडेंट ईवल मूवी के साथ करें जिसमें जॉम्बीज़ वगैरह काफ़ी होते हैं, तो गेम मैंने ये नहीं खेली, मुझे नहीं पता इस गेम में क्या कहानी है, लेकिन होंगे इसमें भी जॉम्बीज़ वगैरह ही। तो ये गेम को क्लैब को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ग्रीना कह रही है कि हो सकता है मैं इसको लॉन्च करूँ। तो उसके बाद एक और गेम है जो कि मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड के नाम से, उस पर ग्रीना प्लान कर रही है भाई क्लैब को। तो यहाँ पर इसका थोड़ा बहुत गेम प्ले में थोड़ा बहुत ऐड किया है कि इसमें मतलब कि मेरे को डायनासोर्स और उसके अलावा ड्रैगन्स आपको बहुत सारे दिखाई देते हैं क्योंकि ये मॉन्स्टर्स को हंट करने के रिगार्डिंग गेम है, तो मॉन्स्टर्स आपको दिखाई देंगे। तो ये क्लैब भी अगर हो जाता है तो इसमें आपको जो मतलब कि थीम आइटम्स होंगी बहुत ही ओपी मिलेंगी क्योंकि मोस्टली जितनी भी गेम्स हैं ये वाली ये लाइक कैपकॉन या इस तरह की गेम्स जो हैं उनमें जो आइटम्स हैं वो बहुत ही ओपी डिज़ाइन की जाती है और उसके अलावा बंडल तो भाई धांसू होते हैं धांसू। तो इसके बाद बारी आती है अपने 8वें यानी कि 8th क्लैब की जो कि एक्सपेक्टेड है कि लाइंस के साथ यानी कि लाइंस फ्रेंड्स। अभी ये लाइंस फ्रेंड्स मुझे एनीमे लग रहा है, कुछ एनीमे या नाइम कार्टून टाइप लग रहा है। तो इसके मैंने जब गूगल किया तो ये नेटफ्लिक्स का लिखा था लाइंस फ्रेंड्स स्लांट नेटफ्लिक्स, तो नेटफ्लिक्स के साथ भी इसका क्लैब वगैरह हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसका मैंने टीज़र जो है वो ऐड किया है, ये लाइंस फ्रेंड्स हैं सारे के सारे। तो अगर ये मिलेगा तो मैं मतलब कि फुल बंडल्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, मतलब कि जो पार्ट बाय पार्ट वाले बंडल वो नहीं लेकिन फुल बंडल्स लाएगी ये बियर का या जो भी चीज़ें इसमें इंक्लूड किए गए इन लाइन फ्रेंड्स में। तो इनके बंडल्स अगर आप देख के जाएँ तो हमें काफ़ी सारे बंडल्स मिल सकते हैं, थीम आइटम्स बहुत ओपी मिलेंगी इसके थीम पे भी। तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में हमें देखने को मिले। तो यहाँ आती है भाई अपनी फेवरेट एनीमे भाई कोलैब्स, तो वहाँ पर ही आती है ड्रैगन बॉल। तो भाई ड्रैगन बॉल जो है इसको ग्रीना पहले भी काफ़ी बार टीज कर चुकी है नरोटो के साथ साथ, नरोटो का पिछली बार उन्होंने बोला था, अभी नरोटो का नहीं कह रहे लेकिन अभी ड्रैगन बॉल का भाई कोलैब का कन्फर्म कर रहे हैं कि ये भी हमें फ्यूचर में ज़रूर देखने को मिलेगा गेम में। इसके बाद एक और एनीमे का भाई कोलैब जो है ग्रीना जो है टीज कर रही है जिसको कहा जा रहा है जोजुत्सु कैसेन। तो मैंने भाई ये एनीमे नहीं देखा, मुझे नहीं आइडिया ये एनीमे कैसा है। आप में से जिसने ये एनीमे देखा भाई कमेंट में बताओ कि भाई जोजुत्सु कैसेन के एनीमे के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। यू गाइस जस्ट कमेंट डाउन दैट विच
collab of all these you are most excited for? Just tell me in comments. And why you are excited for that collab? Just comment down. And like, share and subscribe and watch till end. There are more collabs in this video. Here is the Jujutsu Kaisen teaser playing. यहाँ नंबर 11 पे भाई अपना जो क्लैब आ रहा है वो है गिंटामा। तो भाई ये गिंटामा जो है ये भी एनिमे है, जापानीज एनिमे है या चाइनीज़ जो भी कहानी है मुझे नहीं इतना ज़्यादा भी आइडिया। तो ये एनिमे भी मैंने नहीं देखा, तो मैक्सिमम एनिमे जो है ये जापानीज एनिमे वगैरह हैं ये मैंने नहीं देखे हुए, क्योंकि भाई मेरे दौर में जब था ना मैंने लायन किंग्स और मोगली वाले कार्टून बहुत देखे थे, तो ये जापानीज एनिमे जो है आजकल के किड्स ज़्यादातर देख रहे हैं, तो मैं आजकल का किड नहीं हूँ भाई। तो ये भी काफ़ी ओपी लग रहा है मतलब टीज़र से। तो इसके बाद एक और भाई एनिमे है जिसका नाम है ब्लू लॉक। तो ये बेसिकली देखा जाए सॉकर के थीम पे लग रहा है, मुझे सॉकर के मैच के थीम पे लग रहा है। इसमें जितनी भी हमें बंडल दिख रहे हैं ना वो लाइक सॉकर जर्सीज वगैरह हैं। तो ये भी ग्रीना करे भी एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में वो जल्द ब्लू लॉक के साथ भी कोलैब करने वाला है। आप लोगों ने बस मुझे रिएक्शन देना है, बताना है कि भाई आपको इन 12 कोलैब्स में से, इन 12 कोलैब में से कौन सा ज़्यादा फेवरेट लग रहा है और उसका रीज़न क्या है। यू गाइस जस्ट कमेंट डाउन विच वन ऑफ ऑल दीज 12 इज़ योर मोस्ट फेवरेट कोलैब। जस्ट कमेंट डाउन नाउ एंड टेल मी द रीज़न दैट व्हाई यू आर एक्साइटेड फॉर दैट कोलैब। इसके बाद ओबी 44 का एडवांस सर्वर का भाई यहाँ पे बैनर आपको देख सकते हैं। यहाँ पे एक आपको नया करेक्टर दिखाई दे रहा है जो कि मतलब फुली जो है बंडल टाइप लग रहा है। मैं तो इसको बंडल से मिला था लेकिन भाई इन्होंने ऊपर लिया करेक्टर बारू, तो ये भाई ये करेक्टर है। उसके साथ यहाँ पे आपको एक और साइबर ड्रैगन टाइप दिखाया जा रहा है। ये साइबर ड्रैगन जो होगा ये आपको बैटल रॉयल और उसके अलावा क्लैश स्क्वाड में भाई उड़ता हुआ दिखाई देगा, फ्लाई करता हुआ आपको ऊपर से दिखाई देगा जिस तरह प्लेन गुजरता है। तो ये मेरे ख्याल ग्रीना पहले भी पास्ट में भी इस तरह का एक ड्रैगन ऐड कर चुकी हुई है गेम में और अभी दोबारा से इस चीज़ को लॉन्च किया जा रहा है। तो ये अभी जो बैनर है फिलहाल यही लॉन्च हुआ है, लीक किया ग्रीना ने, ऑफिशियली अनाउंस किया है ओबी 44 का। बाकी मेगा लीक्स भी आ रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई लोग अल्लाह हाफिज़।